हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने VBA के एरेज़ की इंट्रोडक्शन की। एरेज़ क्या होते हैं, एरेज़ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उनमें वैल्यूज़ कैसे पास की जाती हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की। इस सीरीज़ से पहले मैं ऑलरेडी 4 सीरीज़ बना चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन सीरीज़, वेरिएबल सीरीज़, लूप सीरीज़ एंड कलेक्शन लूप सीरीज़। अगर आपने वो चारों सीरीज़ मिस कर दी हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम उन सब कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो वो जो सारी सीरीज़ हैं वो देखनी इसीलिए कंपलसरी हो जाती हैं, ताकि आपको ये वाली सीरीज़ भी अच्छे से समझ आ सके। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एरे की एक्चुअल एप्लीकेशन के बारे में, कि एरे को हम VBA में कब यूज़ करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरे की, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज़। अगर आपके पास दो टेबल्स हैं और उनमें कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और आप उन वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे एरेज जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊँगी, हम एक कोड लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपने दो टेबल्स में कंपेयर करेंगे। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं A1 से लेकर A5 में, जो कि हमारे मंथ्स हैं जनवरी से लेकर मई। और वहीं पे मेरे पास C1 से लेकर C10 में कुछ रैंडमली मैंने कुछ नेम लिखे गए हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हैं। अब हमने करना क्या है, हमने चेक करना है कि क्या हमारा जनवरी मंथ, जैसे JAN लिखा हुआ है, क्या वो इस रेंज में भी आता है या नहीं। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं जो हमारे C1 से लेकर C10 में आ रहे हैं और हमने उनको लेटर ऑन डिस्प्ले करना है। तो ये हमारा टास्क है। VBA के कोड की हेल्प से हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए, करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वी लुकअप भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा मेथड बेस्ट है। हम VBA सीख रहे हैं तो VBA में कोड कैसा लिखा जाएगा, तो इसी की आज इस ट्यूटोरियल में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगी कि इस कोड का क्या मतलब है, ताकि आप भी ऐसे कंपैरिजंस इजीली VBA में कर पाएं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करूँगी विजुअल बेसिक और हम इंसर्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल। मॉड्यूल आ चुका है। सबसे पहला काम होता है सब रूटीन को ऐड करना। तो मैं यहाँ पे सब रूटीन का नाम अभी दे देती हूँ कंपेयर, क्योंकि हम दो डिफरेंट टेबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरेज़ कैसे डिफाइन होते हैं और उसमें वैल्यू कैसे जाती है, और वही सेम कंसेप्ट हम आज भी यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं A1 से लेके A5 तक, इसको मैं एक एरे में स्टोर करवाऊँगी। और सेकेंड जो वैल्यूज़ हैं C1 से लेके C10 में, इसको मैं दूसरे एरे में स्टोर करवाऊँगी। तो इसके लिए मुझे दो एरेज चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं दो एरेज को डिफाइन करूंगी। ये मेरा फर्स्ट एरे है जिसका मैं नाम दे देती हूँ ARR1, दिस इज ARR1। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसकी रेंज, क्योंकि मुझे 5 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी। मैं 0 to 4 भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, तो मैं इसको डिक्लेयर करूँगी एज अ स्ट्रिंग। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि मैंने 4 क्यों लिखा है, जबकि वैल्यूज़ तो मुझे 5 स्टोर करवानी है। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि जो आपका एरे होता है वो हमेशा इंडेक्स 0 से वैल्यू को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट वैल्यू जो एरे की स्टोर होती है वो इंडेक्स 0 पे होगी, सेकेंड वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर होगी, एंड फिफ्थ वैल्यू इंडेक्स 4 पे स्टोर होगी। इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिखते हैं। इसको आप 0 to 4 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम डिक्लेयर करेंगे अपना सेकेंड एरे, तो उसका मैं नाम दे देती हूँ एरे 2,
और उसमें टोटल हमारे पास होंगी 10 वैल्यूज, इसलिए मुझे यहाँ पे देना होगा 9। तो इसकी भी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। तो ये 9 लिखा है, इट मींस एरे 2 0 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। तो टोटल कितनी वैल्यूज हमारे पास स्टोर हुई? दैट इज 10। अब ये तो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, अब वैल्यू स्टोर करने की बारी आती है। तो उसके लिए मैं एक लूपिंग वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। लूपिंग वेरिएबल मैंने ले लिया आई, क्योंकि एरे में आप वैल्यूज डायरेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं। ARR1 ब्रैकेट में 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है जनवरी वो डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे लूप यूज करूँगी एरे में वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। तो फॉर लूप हम यूज करेंगे। आई की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से? 0 से। कहाँ तक जाएगी? सबसे पहले 4 तक जाएगी। तो फर्स्ट एरे में वैल्यू हम भेजेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एरे नेम 1, ब्रैकेट में इंडेक्स होगा आई, इक्वल्स टू रेंज, तो देखिए ये जो कंसेप्ट है ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। तो देखिए अभी मैंने क्या लिखा है, आई की वैल्यू 0 होगी इनिशियली, तो ARR10 एरे के फर्स्ट जो इंडेक्स है 0, उसमें क्या जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। अब ये क्या चीज़ है? रेंज ए, ए आपका फर्स्ट कॉलम है और आपकी रो क्या है? i+1, i की वैल्यू 0 है, 0+1, ए कॉलम हो गया, रो 1 होगी, मतलब A1 सेल में जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी? आपके ARR1 के 0th इंडेक्स के ऊपर। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हम i की वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट, क्योंकि पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इस तरह करने से आपकी ये सारी वैल्यूज़ A1 से लेकर A5 में जो आपने लिखी हुई हैं ये मेरे फर्स्ट एरे में जाकर स्टोर हो जाएंगी। सेम प्रोसेस मैंने करना है सेकंड एरे के लिए, तो मैं यहीं पे इसको ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, जो चेंजेस होंगे हम लेटर ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप चलेगी आई 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। और जो हमारा एरे होगा दैट विल बी एरे नंबर 2, और इसमें हमारे सी कॉलम में वैल्यूज पड़ी हैं। सी कॉलम में C1 से लेकर C10 में जितनी भी वैल्यूज है वो मेरे एरे में जाकर स्टोर हो जाएंगी। तो ये तो अब तक तो जो हमने काम किया है उससे हमारा एरे डिफाइन हुआ है और एरे में वैल्यूज चली गई हैं। अब बात आती है उनकी कंपैरिजन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लोकल विंडो ऑन कर लेते हैं और हम यहाँ पे अपने कोड को डीबग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। देखिए लोकल विंडो में अगर मैं आपको एरे 1 दिखाऊँ तो एरे के 0th इंडेक्स में हमारे पास JAN चला गया है, FEB चला गया है। सिमिलरली मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूँगी तो ये मार्च चला गया है, अप्रैल और मई। फर्स्ट एरे में हमारे पास वैल्यूज चली गई हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड एरे पे। तो सेकंड एरे में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो फर्स्ट टू वैल्यूज चली गई हैं इंडेक्स 0 के ऊपर, इंडेक्स 1 के ऊपर। जो हमने C1 में लिखा था वो सेकंड एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर हो गया है। तो सिमिलरली सारी वैल्यूज यहाँ पे चली जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी। अब काम आता है हमारे कंपैरिजन का।
ये तो सिर्फ अभी एरे में वैल्यूज गई हैं, अब हमने एक्चुअल में कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको वर्बली यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट एरे है, एरे वन, उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है जे ए एन, उसको कंपेयर करना है अपने सेकेंड एरे से, सी वन के साथ, सी टू के साथ, थ्री फोर फाइव, जहाँ पे अगर हमें मैच मिल गया, जैसे जनवरी यहाँ है, जनवरी यहाँ है, यहाँ पे मैच मिल जाएगा तो हम अपनी लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम सर्च करेंगे सेकंड एलिमेंट को, फेब्रवरी को, एफ ई बी, सेकंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होगा, अगर नहीं मिला तो सेकंड एलिमेंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे भी मैच नहीं मिला, थर्ड एलिमेंट पे चले जाएंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली फर्स्ट एरे का थर्ड जो एलिमेंट है वो कंपेयर होगा सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, जहाँ पे आपको वो सेम मैच मिल गया वहाँ पे आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने ये काम करना, तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली दो वेरिएबल्स चाहिए जो इनका जो कंपैरिजन लूप को हैंडल करेगी। तो मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल्स डिफाइन करती हूँ। तो मैंने लिखा डिम, एक मैंने ले लिया वेरिएबल बिग, जो फर्स्ट लूप को रन करेगा, फर्स्ट जो एरे है उसको हैंडल करेगा, और एक मैं ले लेती हूँ सेकंड वेरिएबल दैट इज स्मॉल, जो मेरे सेकंड वाले एरे को हैंडल करेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ, कंपैरिजन के लिए मैं इफ यूज़ करूँगी, इफ एरे वन। तो पहले मैं कोड लिख लेती हूँ इसका, दैट इज इक्वल्स टू एरे स्मॉल, देखिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, इफ बिग, जो बिग वेरिएबल है पहले मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर लूप चलेगी मेरी यहाँ पे, बिग वेरिएबल चलेगा मेरा 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वाले एरे को हैंडल करेगा। और सिमिलरली जो मेरा सेकंड वेरिएबल है स्मॉल, वो चलेगा 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि ये मेरे सेकंड वाले एरे को होल्ड करेगा। तो अब मैंने लिखा है, अगर एरे वन का बिग की इनिशियल वैल्यू है 0, मतलब एरे वन का 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, एरे वन के 0th इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है जनवरी। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जनवरी हमारे पास वैल्यू है। अगर वो इक्वल है एरे टू के, यहाँ पे है स्मॉल में अभी वैल्यू कितनी है 0, अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल मिल जाता है तो हम उसको डिस्प्ले कहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो मैं स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लेती हूँ स्टोर, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक वेरिएबल स्टोर जिसकी अभी इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 वैल्यू है, एंड उसी के साथ यहाँ पे स्पेस आएगी, स्पेस के साथ आपका अगर दोनों वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू से मैच कर गई है, जनवरी मुझे सेकंड एरे में भी मिल जाता है, तो मैं उसको कहाँ पे स्टोर करवाऊंगी, अपने वेरिएबल स्टोर में, क्योंकि लेटर ऑन मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना पड़ा। यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए ली है क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मैच कर सकती हैं, जैसे जनवरी आ गया, आपके पास मई आ गया, तो इन वैल्यूज़ को जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगी तो उनमें स्पेस आएगी, तो आप उसको लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमें इक्वल मिल गई हैं तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊँगी, अदरवाइज
else part use करेंगे. अगर ये values नहीं मिली हैं तो हम करेंगे एंड इफ, और इंक्रीमेंट करेंगे अपने वेरिएबल्स को. और लास्ट में जाके हम मैसेज बॉक्स की हेल्प से वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएं. तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे F8 की हेल्प से हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे. तो सबसे पहले आ गया वेरिएबल नॉट डिफाइंड. हमने स्टोर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है. मैं यहाँ पे कर लेती हूँ. तो स्टार्टिंग से मेरा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है. तो देख सकते हैं एरे वन में वैल्यूज आ चुकी हैं. एरे टू देख लेते हैं. तो एरे टू में भी हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं. अब आ गया है नेक्स्ट टास्क, जहाँ पे है कंपैरिजन. अभी मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, बिग, स्मॉल एंड स्टोर. बिग में वैल्यू जीरो है, स्मॉल में भी अभी वैल्यू जीरो है. जीरो जीरो के लिए ये लूप रन करेगा. एरे के फर्स्ट एरे की जीरोथ पोजीशन कंपेयर होगी सेकंड एरे की जीरोथ पोजीशन के साथ. फर्स्ट एरे की जीरोथ पोजीशन पे है जनवरी, सेकंड एरे की जीरोथ पोजीशन पे है गोट. तो ये आपस में वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे. यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा और उसके बाद हमारी जो स्मॉल की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी पहले. क्यों? क्योंकि हमने जो फर्स्ट एरे है जिसमें जनवरी लिखा हुआ है उसको कंपेयर करना है. सिर्फ एक वैल्यू से कंपेयर नहीं करना कि सेकंड एरे की फर्स्ट वैल्यू से कंपैरिजन हो, हमें सेकंड एरे की सभी वैल्यूज के साथ उसको कंपेयर करना है. तो मुझे एरे टू का जीरोथ इंडेक्स भी चाहिए, फर्स्ट भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, अप टू नाइन्थ इंडेक्स तक मुझे कंपैरिजन करना है. इसलिए मैं सबसे पहले ये जो स्मॉल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को करूँगी इंक्रीमेंट. तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके. तो एग्जीक्यूशन ये चलती रहेगी. जहां पे इसको इक्वल मिल गया तो उसने क्या करना है, अब जैसे आप देख सकते हैं एरे टू के सेकंड पोजीशन पर जनवरी पड़ा हुआ है, उसको मिल जाएगा. तो उसने क्या करना है, इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है. तो अभी के लिए इसमें क्या स्टोर हो चुका है, जे ए एन वैल्यू स्टोर हो चुकी. तो मैं थोड़ा फास्ट इसको एग्जीक्यूट करूंगी ताकि हमें जो एंड रिजल्ट है वो ज़रूर देखने को मिले. तो देखिए, हमारे पास आ चुका है मैसेज बॉक्स की हेल्प से. हमारे पास फोर ऐसे मंथ्स हैं जो सेम हैं, दैट इज़ जे ए एन इधर भी है, एफ ई बी भी है, अप्रैल भी है और हमारे पास मे है. सिर्फ मार्च ऐसी वैल्यू थी जो सेकेंड एरे में नहीं है. तो हमें ये चारों वैल्यूज मिल चुकी हैं. ये किस वेरिएबल की हेल्प से हमने स्टोर करवाया, हमारे पास जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था स्टोर, उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यूज को फेच किया है. तो इस तरह से किन्हीं भी दो टेबल्स का कंपैरिजन इजीली आप एरे की हेल्प से कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा ये कोड, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको बहुत इजीली इसको समझ आ जाएगा. क्योंकि जो मैंने वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए हैं वो बहुत इजी किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज को और एक्सप्लोर करेंगे. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग अस.